दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मन्नान फराज और आइए एक बार फिर आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सब की इस खास पेशकश इस प्रोग्राम का नाम चरागे इश्क आपकी मुलाकात करवाते हैं इस बार इस खूबसूरत शायरा कवित्री मोहतरमा रानू त्रिवेदी मिश्रा जी से। तो आइए रानू त्रिवेदी मिश्रा जी से मुलाकात करते हैं इन मिसरों के साए में कि आईने पाश पाश करते रहे लोग चेहरे तलाश करते रहे वो उधर ले गया तमाम गुलाब हम इधर काश काश करते रहे। सुनते हैं मोहतरमा रानू त्रिवेदी मिश्रा साहिब। दोस्तों आप सभी को नमन करती हूँ, हम सबके इस पटल को भी नमन करती हूँ। ये हम सबका चैनल हम सबके लिए और इसे लेकर आए हैं हमारे लिए मन्नान फराजी। तो इस चैनल पर आज मेरी पहली प्रस्तुति स्वीकार कीजिए और सुनिए। शुरुआत मैं करती हूँ एक सरस्वती वंदना से। तो माँ की वंदना में चार पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। हाथ मेरे जुड़े वंदना के लिए, हाथ मेरे जुड़े वंदना के लिए, और सर है झुका प्रार्थना के लिए। भावना के सुमन कर दूं अर्पित तुम्हें, भावना के सुमन कर दूं अर्पित तुम्हें। शारदे माँ तेरी अर्चना के लिए, हाथ मेरे जुड़े वंदना के लिए। माँ शारदे का आशीष लेकर अब मैं हाजिर करती हूँ अपनी कुछ गजलें, सुनिएगा। कुछ अशार हाजिर करती हूँ। पहले कि रात भी कुछ बुझी बुझी होगी, रात भी कुछ बुझी बुझी होगी, चांद होगा न चांदनी होगी। और जख्म अपने संभाल कर रखना, जख्म अपने संभाल कर रखना, जख्म अपने संभाल कर रखना। दर्द होगा तो शायरी होगी, दर्द होगा तो शायरी होगी। और ये शेर सुने कि हो सके तो तलाश कर लेना, हो सके तो तलाश कर लेना, इस समंदर में एक नदी होगी, इस समंदर में एक नदी होगी। और एक कथा हाजिर करती हूँ जो तरही मिसरे पर आधारित है, सुनिएगा। मुझे बहुत पसंद है तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये हाजिर करूँ। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, और उसको हर किसी से प्यार होना चाहिए। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए और उसको हर किसी से प्यार होना चाहिए। और लालसा बेहद कमाने की बहुत अच्छी नहीं, लालसा बेहद कमाने की बहुत अच्छी नहीं, हाँ मगर छोटा सा एक घर बार होना चाहिए, हाँ मगर छोटा सा एक घर बार होना चाहिए। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब एक गज़ल और हाजिर करती हूँ, सुनिए। मतलब देखिएगा कि हमारे बीच में ये मनमुटाव कैसा था, हमारे बीच में ये मनमुटाव कैसा था, कभी भरा ही नहीं जाने गाँव कैसा था। हमारे बीच में ये मनमुटाव कैसा था, कभी भरा ही नहीं जाने घाव कैसा था। और शेर देखें कि तमाम उम्र झगड़ते ही रहे हम दोनों, तमाम उम्र झगड़ते ही रहे हम दोनों, जुदा न फिर भी हुए ये लगाव कैसा था। और ये शेर देखिए कि उनश्क बार निगाहों की कहानी क्या थी, उनश्क बार निगाहों की कहानी क्या थी,
कोई तो जख्म था जाने रिसाओ कैसा था, कोई तो जख्म था जाने रिसाओ कैसा था। और ये शेर देखें कि लगी थी रात वही आग मजहबी फिर से, लगी थी रात वही आग मजहबी फिर से, लगी थी रात वही आग मजहबी फिर से, अगर नहीं तो गली में तनाव कैसा था, अगर नहीं तो गली में तनाव कैसा था। और तुम्हारे चेहरे को मैं रात पढ़ नहीं पाई, तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे 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 चेहरे को मैं रात पढ़ नहीं पाई, तुम्हारे चेहरे पे वो हाव भाव कैसा था, तुम्हारे चेहरे पे वो हाव भाव कैसा था। और मुझे उम्मीद है कि ये गज़ल आपको पसंद आई होगी। और एक और गज़ल हाजिर करती हूँ कि मुहर झूठ की आवेदन पर हर हस्ताक्षर जाली है, मुहर झूठ की आवेदन पर हर हस्ताक्षर जाली है, और कागज पर ही काम हो गया सड़क आज भी खाली है। मुहर झूठ की आवेदन पर हर हस्ताक्षर जाली है, और कागज पर ही काम हो गया सड़क आज भी खाली है। और घोटाले में गर्दन डूबी कर्जे सारे माफ हुए, घोटाले में गर्दन डूबी कर्जे सारे माफ हुए, और हर दिन उनकी ईद हुई जिनकी हर रात दिवाली है, हर दिन उनकी ईद हुई जिनकी हर रात दिवाली है, कागज पर ही काम हो गया सड़क आज भी खाली है। और ये देखिए, ये शेर देखिए कि समझ न पाया आज आईना कितनी टूटी बिखरी हूँ, समझ न पाया आज आईना कितनी टूटी बिखरी हूँ, हंसकर मेरे चेहरे ने दिल की हर बात छुपा ली है, हंसकर मेरे चेहरे ने दिल की हर बात छुपा ली है। और धर्म और नफरत की छोड़ो अब तो भाई भाई ने, धर्म और नफरत की छोड़ो अब तो भाई भाई ने, घर के आंगन में ही एक पक्की दीवार उठा ली है, घर के आंगन में ही एक पक्की दीवार उठा ली है। और कुछ गज़ल का मिजाज बदलती हूँ और ये शेर सुनाती हूँ कि गोरा गोरा चांद सा चेहरा उस पे जुल्फों के बादल, गोरा गोरा चांद सा मुखड़ा उस पे जुल्फों के बादल, और गफलत में हैं सारे तारे चांद भी बना सवाली है, चांद भी बना सवाली है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अब अभी 15 अगस्त आकर गया, हमने कल ही अपनी आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मनाई, तो कल एक घनाक्षरी कही मैंने जो मेरे दिल के दर्द को बयां करती है, आपके मन के भी दुख को बयां करेगी, क्योंकि हम सब के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि इतने सालों के बाद भी आज ये स्थिति क्यों है और कैसे बदलेगी। तो सुनिएगा, खास है ये दिन बड़ा जिद पे है मन अड़ा, माता जी तिरंगा मुझे एक दिलवाइए, खास है ये दिन बड़ा जिद पे है मन अड़ा, माता जी तिरंगा मुझे एक दिलवाइए। आज़ादी का दिन आज गया था अंग्रेजी राज, पढ़ने की इच्छा मुझे मौका दिलवाइए। और बच्चे के इस सवाल पर मेरा मन, शर्म से थी शर्मसार दिल रोया जार जार, क्या जवाब दूँ उसे मुझे समझाइए। शर्म से थी शर्मसार दिल रोया जार जार, क्या जवाब दूँ उसे मुझे समझाइए। भारत के मान पर खूब अभिमान कर बच्चे को कहूँ ये कैसे मुझे बतलाइए। भारत के मान पर खूब अभिमान कर बच्चे को कहूँ ये कैसे मुझे बतलाइए। और इस घनाक्षरी के साथ मैं अपने काव्य पाठ की समाप्ति करती हूँ और मन्नान जी को इस नए चैनल के लिए खूब खूब सारी बधाई
बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।